बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान इन दिनों हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। भाईजान की ईद पर रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आखिरकार 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर ही लिया है। हालांकि फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी दर्शकों को उतना इम्प्रेस नहीं कर पाई जितनी की उम्मीद की जा रही थी। इस बीच बॉलीवुड के दबंग खान को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो 25 साल बाद सलमान खान और करण जौहर ने हाथ मिला लिया है और वो जल्द ही साथ में फिल्म बनाने जा रहे हैं। सलमान खान की आने वाली फिल्म भी ईद को 2024 में रिलीज होगी। आपको बता दें कि ये खबर खास इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म के जरिए सलमान खान और करण जौहर तकरीबन 25 साल के बाद एक साथ आएंगे। हालांकि फिल्म के नाम को लेकर फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई है। शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी और सलमान खान की फिल्म कुछ कुछ होता है तो आपको याद ही होगा। ये वही फिल्म है जिसमें सलमान खान और करण जौहर एक साथ दिखाई दिए थे। इस फिल्म में सलमान खान सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। अब कुछ कुछ होता है कि करीब 25 सालों के बाद करण जौहर और सलमान खान एक बार फिर से हाथ मिलाने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान को अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए डायरेक्टर भी मिल चुका है और इस फिल्म के डायरेक्टर शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन हैं।